नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप आईवीटीवी देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि राज्य से है। आपको बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। जी हाँ, नेपाल में भूकंप के झटके आए और इसकी तीव्रता की बात करें तो 5.5 की इसकी तीव्रता थी। नेपाल से सटे जो जिले हैं उत्तर बिहार के, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कुछ सेकंड के लिए ही ये झटके महसूस किए गए हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि बिहार के कौन कौन से जिले हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और नेपाल में फिलहाल स्थिति क्या है। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। उत्तर बिहार के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल से सटे मधुबनी, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी में सुबह 8 बजे के करीब धरती हिली। नेपाल के काठमांडू में रविवार के सुबह 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। काठमांडू से 147 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इसका केंद्र था। इस भूकंप के झटके का असर नेपाल से सटे बिहार के कुछ जिलों में भी महसूस की गई है। इसके अलावा दार्जिलिंग असम में भी कुछ सेकंड के लिए भूकंप के झटके लगे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 7:58 पर इस झटके को बिहार सहित नेपाल में भी महसूस किया गया है। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई है। मधुबनी और दरभंगा सहित कई जिलों में भी धरती हिली है। वहीं मुजफ्फरपुर, सुपौल, कटिहार, लखीसराय में भी लोगों ने 5 से 7 सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस किए हैं। साथ ही नेपाल से सटे यूपी के कुछ हिस्सों में भी झटके लगे हैं। ये खबर जो है सामने आई है कि 5.5 की तीव्रता के भूकंप से जो है बिहार सहित यूपी के भी कई हिस्सों में इसको महसूस किया गया है। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में नेपाल जो है भूकंप के त्रासदी को झेल चुका है और काफी जो है वहां पर नुकसान हुआ था। ऐसे में उस वक्त भी बिहार के कई हिस्से जो है इससे प्रभावित हुए थे और आज एक बार फिर से उन जो बीते पलों को इस झटके ने याद दिला दिया है। बता दें कि 2015 में काफी नुकसान हुआ था नेपाल का इस भूकंप से। ऐसे में आज एक बार फिर 5.5 की तीव्रता के झटके को वहां पर महसूस किया गया है। आप देख रहे थे आईबीटीवी। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आईबीटीवी के साथ बने रहे। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।